दोस्तों UTS ऐप से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। तो UTS ऐप एक गवर्नमेंट ऐप है जिस पर हम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। आप जहाँ से जाना चाहते हैं और जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ से आप आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जो करेंट लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपके स्टेशन आ जाएंगे। या फिर नहीं भी ऑन करेंगे तो यहाँ पर स्टेशन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर है जर्नी टिकट, और दूसरा है QR बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर टिकट बुक करना है तो यहाँ पर जर्नी टिकट पर टैप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लें, तो यहाँ से आप जो दूसरा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें, ये बेहतर होता है। यहाँ पर पेपर वाली जो टिकट है वो बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें कैंसिलेशन है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपको कहाँ से जाना है कहाँ तक जाना है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी स्टेशन रेंडमली यहाँ पर हम ले लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग दब गया, तो यहाँ से आप देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है नेक्स्ट ट्रेन या फिर गेट फेयर का। तो यहाँ से आप फेयर भी जान सकते हैं कि कितना फेयर यहाँ पर देना होगा। यहाँ से क्लिक करके देखिए प्रिंट आउट रिक्वायर्ड यू हैव सेलेक्ट बुक पेपर लिस्टेड, तो यहाँ पर हम ओके पर टैप कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका फेयर है वो 30 रुपये लग रहा है, और वॉलेट बैलेंस मेरा अभी 0 है। तो यहाँ से आप अब यहाँ पर नॉर्मल बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर एडल्ट आप कितने लोग जाना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक लोग अगर कोई बच्चा है आपके साथ तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टिकट टाइप है वो जनरली या फिर जो जनरल है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें, और यहाँ पर जो ट्रेन टाइप है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेल एक्सप्रेस में रखता हूँ, और यहाँ से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको जो आर वॉलेट है इसका ऑप्शन है सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर पे यूजिंग UPI डेबिट कार्ड जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि गूगल पे से भी यहाँ पर या फिर फ़ोनपे से भी पेमेंट हो सके। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जो स्टेशन है वो यहाँ पर शो हो रही हैं, और यहाँ पर उसके बाद बुक टिकट पर टैप कर देंगे। यहाँ पर सारा कुछ जो डिटेल हमने डाला है वो सारा कुछ शो हो रहा है, बुक टिकट पर टैप कर देंगे। और यहाँ से आपको अब कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, तो पहला वाला ऑप्शन चूज़ करें, और पे पर नीचे जो लिखा हुआ है पे 30 रेड कलर में लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ से जाने के बाद अभी देखिए यहाँ से आप अगर आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे से पेमेंट करना है तो जो बीच वाला ऑप्शन है UPI लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ, और यहाँ पर पे यूजिंग UPI ऐप, और यहाँ पर सिलेक्ट UPI ऐप पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर फेचिंग UPI ऐप से लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए गूगल पे फ़ोन पे आ चुका। तो यहाँ पर हम एक इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से देखिए 30 रुपीज़ लिखा हुआ है कि IRCTC को पे हो रहा है, तो यहाँ पर हम पे कर देंगे इस तरीके से, और इसके बाद जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो टिकट है अब प्रोसेसिंग यूर पेमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो पेमेंट है वो हो चुका है। जब हम बैक जाएंगे और यहाँ पर बुकिंग हिस्ट्री पर टैप करेंगे तो यहाँ पर जो टिकट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये देखिए जो टिकट है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आसानी से आप जो टिकट है वो उसको बुक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।